धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। हेमंत कुमार जी के साथ भी गाया, तलत महमूद जी के साथ भी गाया, मलाडे के साथ भी गाया, और किशोरदा के साथ तो मैंने ऑलमोस्ट 250 प्रोग्राम्स किए ऑल ओवर द वर्ल्ड। कभी हम सोचते नहीं थे कि दो गानों से एल्बम निकाले, 10 गाने मिनिमम रिक्वायर्ड थे। फिल्म के गाने के बाद जो मैंने लाइन ईश्वर ने मेरे से चुनवा ली वो है डिवोशनल की। आज मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस करती हूँ क्योंकि इतने दिग्गजों के साथ गाना, उनके साथ मौका मिलना, उनके साथ खड़े रहने का भी एक अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आप दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त हरदीप दुआ और तुम देख रहे हो लुधियाना लाइव। सब तो पहले तो मैं दस दवा कि अच्छे उस परसनैलिटी में मिलवा जा रही है जिन्होंने अक्सर तुम बॉलीवुड या कह लो कि हिंदुस्तान के हर भाषा के उन्होंने गीत जो सुन के अपना समा जरा वा उसमें होर खुशियों में भरया। उसके नाल अगर धार्मिक मुद्दे की गल करिए धर्म के भी कह लो कि मंदिर की जब शुरुआत होंगी तो सब तो पहले उन्होंने भजन तो ही शुरुआत होंगी दिन की ज्यादातर मंदिर। तो मैं ज़्यादा समा लेते गल करता जी अनुराधा पोडवाल मैं अपना सत्या सत श्रीकाल। सो बहुत बहुत स्वागत है लुधियाने के। धन्यवाद मैम। जैसे कि आपको पता है कि आपके करोड़ों फैन हैं पूरी दुनिया में जी। और लाखों जो बच्चे हैं वो आपके राह पे चल रहे हैं, बहुत सारी अकेडमीज खुल गई हैं, समा बहुत ज़्यादा बदल चुका है, तो किस प्रकार से देखते हैं आप इस लाइफ को? क्योंकि एक समा वो था जब आपके फादर ने कहा था कि ये जो लाइन है, ये जो इंडस्ट्री है वो लड़कियों के लिए ठीक नहीं है जी। तो फिर भी आप इस चीज़ को लेकर आज इतने बड़ी हैं कि आपको एक पद्म भूषण जो अवार्ड मिल चुका है, फिल्म फेयर अवार्ड 3 बार मिल चुके हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? इसी को कहते हैं डेस्टिनी। क्योंकि मैं उस फैमिली को बिलोंग नहीं करती हूँ कि जो म्यूज़िक को स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री को तो इनकरेज नहीं करते थे। ईश्वर के मन में शायद कुछ और हुआ होगा क्योंकि फिल्म के गाने के बाद जो मैंने लाइन ईश्वर ने मेरे से चुनवा ली वो है डिवोशनल की। और इसी के ज़रिए हम देखते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे गायत्री मंत्र है या गंगा जी की आरती है, ये पूरी दुनिया में बच्चे बच्चे गाते हैं, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे ज़रूर होगा। अगर बात करें 1973 में आपकी जो एंट्री हुई थी संस्कृत के शौक के साथ हुई थी, उसके बाद आपने बैक टू बैक सेकेंड डे आई थिंक आपने हिंदी फिल्म के लिए सॉन्ग गाया, थर्ड डे आपने एक मराठी फिल्म के लिए सॉन्ग गाया, तो कैसे देखते हैं कि इतनी जल्दी तीनों भाषाओं बिना किसी सीखे कैसे आपने सारा कुछ कवर? इसीलिए मैंने कहा कि इसी को डेस्टिनी कहेंगे क्योंकि अदरवाइज़ इस लाइन में आने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन लगती है, बहुत पहचान लगती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। अच्छा, पहचान की बात करें तो बड़े बड़े लोगों के साथ को काम करने का मौका, आरडी बर्मन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, जितने बड़े नाम हैं, किशोर कुमार दा के साथ आपने बहुत सारे गीत गाए, तो इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर कैसा लगता था आपको? आज मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस करती हूँ क्योंकि इतने दिग्गजों के साथ गाना, उनके साथ मौका मिलना, उनके साथ खड़े रहने का भी एक अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की। तो मेरे ख्याल से सभी के साथ मैंने गाया, हेमंत कुमार जी के साथ भी गाया, तलत महमूद जी के साथ भी गाया, मलाडे के साथ भी गाया, और किशोरदा के साथ तो मैंने ऑलमोस्ट 250 प्रोग्राम्स किए ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो बहुत बड़ी माता रानी की कृपा ही कहूँगी मैं। मज़े की बात ये भी कि उन दिनों अगर बात करें तो हम आज भी कुछ चैनल्स पे सो जब रियलिटी शो होते हैं देखते हैं पीछे सिंगर्स जो हैं पूरे म्यूजिशियन बैठे होते हैं, हर एक ताल के लिए, हर एक धुन के लिए एक एक पर्सन बैठा होता है, और इन दिनों भी उस प्रकार से रिकॉर्डिंग होती थी, तो उसमें भी साफ तौर पर आपको ये भी कहना था कि भाई जब मैं रिकॉर्डिंग होती थी छोटी सी गलती हो दोबारा से सारा गीत गाना पड़ता था, फंबल की गुंजाइश नहीं होती। हाँ, लेकिन उस वक्त मतलब 100 म्यूजिशियन के साथ अगर लाइव भी गाना होता था तो भी मुझे ऐसे कम याद है कि किसी की बहुत ज़्यादा गलती हो रही है और वापस से रीटेक, सभी लोग परफेक्ट ही बजाते थे, वो उस वक्त बजाने वाले भी वैसे थे जी। तो आज का टाइम कैसे देखता है स्टूडियो में, छोटे से स्टूडियो में साउंड टेक है शुरू? मुझे थोड़ा समय लगता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की हूँ, तो लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि इसमें ना मुझे अविनाश जी का बहुत हेल्प हुआ है क्योंकि इनके जो हियरिंग एड्स है तो उन्होंने वो कस्टमाइज करके इस तरह से दिए कि मतलब मुझे वो ब्लूटूथ के ज़रिए आई कुड
यूज इट। तो थैंक्स, मैं तो कहूँगी कि मैं तो इनके पीछे पड़ती हूँ, पता नहीं ये मन पे नहीं ले रहे बात। मैं तो कहती हूँ सिंगरों को भी बोलो कि जिनको ठीक सुनाई दे रहे हैं ना, वो भी ये इस्तेमाल करें, क्योंकि दिस इज लाइक रियल साउंड। डीजे तो नेक्स्ट लेवल का आ चुका है, इटालियन सिस्टम जो है। एब्सोल्युटली, तो ये मतलब सिंगरों के नॉट नेसेसरली कि जिनको कम सुनाई देता है, जिनको सुनाई भी देता है, लेकिन जो पुराने म्यूजिशियंस के साथ लाइव गाने का जिनको आदत है, उनके लिए ये गॉडसेंड है। गॉडसेंड में ये मजे ज्यादा है कि बैक टू बैक आप 90s की क्वीन आ चुकी हैं, आजकल भी अगर YouTube पे सर्च मारते हो गोल्डन हिट्स के नाम से आपके गीत जो जाने जाते हैं, तो किस प्रकार से कैसे उन दिनों में आप अपने आप को देखते थे? अगर आज के टाइम में जो यूथ है, जैसे अपने एल्बम का जमाना था, कम से कम 10 गीत एक एल्बम में आता था, लेकिन आजकल तो ट्रैक का जमाना आ गया। एक ट्रैक आए तो एक साल तक इंसान शांत रहता है कि भाई फलाने फेम सॉन्ग फेम का ये आर्टिस्ट है कि उसने ये गीत गाया था। तो उन दिनों में बैक टू बैक तो कैसे आपने ये सारी शोहरत को कह लो कि नतमस्तक नतमस्तक हुए सारी शोहरत के साथ? नहीं, उस वक्त एक हमारे सर पे ना एक धुन सी सवार होती थी कि मतलब हमने 8-10 मतलब कभी हम सोचते नहीं थे कि 2 गाने उसे एल्बम निकाले, 10 गाने मिनिमम रिक्वायर्ड थे। जैसे आप सुनते होंगे कई सारी अमृतवाणी है, तो हम लोग माइक पे जाते थे तो एक अमृतवाणी शुरू की, 1 घंटे की अमृतवाणी 1 घंटा होने के बाद ही रुकते थे हम लोग, तो आदत भी वैसी पड़ी हुई थी। से याद आया कि हमने कहा कि 12 जब मैं एक मंदिर में गई तो मेरे को पंडित जी ने बोला कुछ सुनाइए, तो आपने कहा तो मैंने तो 12 साल से कुछ किया ही नहीं है, तो आपने माता रानी से आशीर्वाद लिया, उसके बाद बैक टू बैक पूरे हिंदुस्तान का जो है पूरा दौर शुरू किया। सही है, ये बिल्कुल सही है। ये मंदिर है दक्षिणेश्वर कलकत्ते में, और उसके बाद सचमुच जो जर्नी शुरू हुई दुर्गा सप्तशती से, तो अभी तक चल ही रही है, कई मंदिरों से वॉइस जुड़ गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर बात करें सारी जितने भी भजन आपने किए, टी सीरीज का बहुत बड़ा नाम आपके साथ रहा है कि बैक टू बैक आपने एक चेहरा बन चुके थे आप उसके। बिल्कुल, क्योंकि एडवांटेज मुझे ये मिला कि टी सीरीज एक ही कंपनी ऐसी रही है जिनकी ऑडियो और विजुअल भी थी जी। तो उस वजह से हम लोगों ने ये सारे जो मंदिर जिनकी मैंने बात की कि 9 देवियों की, तो हम लोग वहाँ जाके शूट करके फिर वो टेलीविजन पर दिखाते थे, इस वजह से आज भी लोग उसको कनेक्ट करते हैं। तो जिस प्रकार से हमने कहा कि सिंगे सॉन्ग बेबी डिंग डोंग बेबी सिंगे सॉन्ग, तो उसमें मुझे थोड़ा सा चैलेंज लगा गीत गाने में। हाँ, क्योंकि आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, और उन्होंने कहा था कि नहीं आप वुड यू लाइक टू ट्राई दिस सॉन्ग, तो उस तरह से। लेकिन उसके बाद तो जो सिलसिला शुरू हुआ भजनों का, तो उसमें भगवद गीता भी हुई है, सप्तशती भी 5-6 लैंग्वेजेस में हुई है। भगवद गीता से मुझे याद आया कि जब आपका बीच में बीमार तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, उसकी वजह से आपने कहा कि मेरी आवाज़ ठीक हुई है। उन दिनों में मैं लता मंगेशकर मैम की जो मेरी आवाज़ चेंज हुई भगवद गीता से, सिर्फ गीता गा के। तो ये क्या है, ये सभी जितने हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं तो ये इतने पावरफुल है, तो उतनी ताकत उसमें है। हम दोनों दिनों के व्रत भी कंटिन्यू रखते हैं। नहीं, वो तो पहले बहुत रखे, लेकिन संगीत अपने आप में एक सेवा है, और ये मैं ज़रूर कहती हूँ, जैसे राम रक्षा है, गणपति अथर्वशीष है, सप्तशती है, वेरी वेरी पावरफुल। तो मैम इस बार नई जनरेशन ने भी आपका गाना ले लिया, तमा तमा लोग हुए, आप कपिल शो में भी गए, वहाँ पे भी आपने गाया, तो मुझे लगता है कि उस गाने के इंटरव्यू थोड़ी अधूरी रह जाएगी। अब यहाँ बाइडेक्स में तमा तमा गाओ मुझे। नहीं, कोई भी गा लीजिए आपको जो बेस्ट लगे, 90s का कोई सॉन्ग। चलो, धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। को आप फाउंडेशन भी चला रही हैं एक बहुत अच्छी, जिसके लिए जिस पर से हम सूर्य उदय की हम अगर बात करें आज भी, अब इसी चक्कर में लुधियाना, और इनका बहुत सपोर्ट है मुझे, जब भी जहाँ पे भी हम लोग कैंप्स चलाते हैं, अविनाशी है यहाँ, प्रज्ञा है, ये सभी ये यहाँ क्योंकि फाउंडेशन की चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए क्या कहेंगे। नहीं, अनुराधा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं सूर्योदय फाउंडेशन के थ्रू, एंड अभी तक इन्होंने काफ़ी हियरिंग एड्स डोनेट किए हैं, तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने का, उनको डोनेशन करने का, उनको हेल्प करने का जो एक काम अनुराधा जी कर रही हैं, वो मतलब कमेंडेबल है, मतलब वो प्रशंसा। काफ़ी काम करते जो लोग कह लो कि परचेज नहीं कर सकते हैं, तो उन्हीं के लिए हम लोग फ्री डोनेट करते हैं। और हमारा जो पहला कैंप हुआ था वाइडेक्स का, वो भुवनेश्वर से शुरू हुआ था, जहाँ पे
गवर्नर जी आए थे, मोदी ने भी आपकी सराहना की। जी 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 जी, ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपनी संस्था को लेकर हमारे दर्शकों तक, जिसकी वजह से आप लुधियाना आए हैं? मैं तो कहना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पर भी कोई ऐसे बच्चे हो जो अफोर्ड ना कर पाते हो तो हमें रीच करें, तो जहाँ तक हो सके हम लोग, क्योंकि अभी जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि जैसे बीच में ONGC है, ऐसे संस्थाएं आ रही है जो ये काम करना चाह रही है, तो हमें, हम तक अगर रीच करते हैं आइदर वाइडेक्स या हमारे सूर्योदय तक, तो वी विल ट्राई एंड हेल्प। सर आप क्या कहना चाहेंगे मैम के लिए? देखिए, जब हमारी मैम से मीटिंग हुई थी और जब हमने उनको कहा कि हम इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा मकसद है कि ये अवेयरनेस क्रिएट करना और अच्छे स्टेट ऑफ द आर्ट स्टोर्स को फैसिलिटेट करना इंडिया में, तो मैडम ने तुरंत इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और बिना किसी उम्मीद के वो हमारे साथ जुड़ गई। और इनका नाम हमारे साथ में आने की वजह से हम आज काफ़ी लोगों को आपके माध्यम के ज़रिए पहुंच पा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपको सुनने में कोई दिक्कत है तो ज़रूर अब आजू के हियरिंग एड क्लिनिक में जाइए, टेस्ट करा लीजिएगा। इसके साथ ही साथ मैडम जी ने इनके जो सूर्योदय फाउंडेशन है उसके साथ मिलके हमने एक नया एक्सरसाइज शुरू किया है कि जिससे हर जगह जगह पे हम जाते हैं जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी कम है, ऐसे बच्चों की स्क्रीनिंग करा देते हैं और वहाँ पे हियरिंग एड डोनेट भी करते हैं ताकि इन बच्चों को नॉर्मल स्कूल जाने का और अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जीने का सहारा मिले। मैम आपका समय बिल्कुल कम है, मैं समाप्ति चाहूँगा, तो एक नए साल की विश के साथ आप समाप्त करते हैं। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार। सो दोस्तों से आज करते कि साढ़ा का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया लगे होना, लुधियाना लाइव पेज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्रोग्राम बढ़िया लगे सो शेयर जरूर करो। सो कैमरा पर्सन सागर के नाल हरदीप दुआ नु दिओ इजाजत, धन्यवाद, और जुड़े रहो लुधियाना लाइव के नाल।